अब देखो, इससे पहले हमने कवक का वर्गीकरण देख रहे हैं, दो के बारे में बात कर चुके हैं अपन, फ्यूमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। बचे हुए तीन और हैं, कौन से? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ब्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखेंगे हम एस्कोमाइसिटीज की कुछ मुख्य विशेषता, उसके उदाहरण, ठीक है? अब देखो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, इससे पहले जो दोनों देखे हैं हमने वो कैसे थे? नॉन सेप्टेट थे। जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सेप्टा बने थे, बाकी दोनों का ही माइसीलियम कैसा था? सिनोसिटिक, एक कोशी की और बहु केंद्र की, वो माइसीलियम कहलाता है सिनोसिटिक। चूँकि अब क्या हो रहा है, फंगस में भी विकास हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, उच्च फंगस मिलेगी हमें, फंजाई मिलेगी, तो इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है? सेप्टा, छोटे छोटे खंडों में यानी कोशिकाओं में बना हुआ होता है। फिर कैसा होता है? फिलामेंटस, ये इस तरीके का होगा और ये सेप्टा है और हरे के अंदर एक एगर होगा, तो इनका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और फिलामेंटस होता है। दूसरी विशेषता आपको सबको मालूम है, फंगस है तो क्या होंगे? परजीवी और मृतोपजीवी, ये लाइन तो आप लिखना ही है, किसी की भी विशेषता लिखो फंगस में। फिर आगे इनमें फ्लैजेला का क्या होता है? अभाव, अभाव, इससे पहले वाले में भी अभाव ही आया था शायद, ठीक है? फिर आगे देखिए, इनमें अलैंगिक और लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्थ्रोस्पोर, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के समय इनके अंदर इस तरीके की गोलाकार रचनाएं बन जाती है, हेली के समान गोलाकार कोई भी रचना बनेगी वो क्या कहलाएगी? एस्कस कहलाएगी। और फिर इनके जो केंद्रक में क्या होंगे? बहुत सारे विभाजन होंगे और विभाजन के कारण क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर बनेंगे, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? एस्कोमाइसिटिस, एस्कस बना और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे और फिर नेचर होने पर ये एस्कस क्या होगा? हट जाएगा और ये एस्कोस्पोर जहाँ भी गिरेंगे अंकुरित होकर एक नया माइसीलियम बना देंगे, ठीक है? इसके बाद क्या लिखा है मैंने? अब फ्रूटिंग बॉडी, फलनकार, जैसे फल का जो आकार होता है या फली होती है कि नहीं, उसके अंदर बीज रहते हैं, तो इन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर की फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है? एस्कोकार्प। अब यहाँ देखो मैंने एक छोटी सी बात लिखी है कि अनेक माइसीलियम आपस में उलझ जाते हैं और उलझने के बाद उस पर एक गोलाकार रचना का निर्माण होता है, ये गोलाकार रचना क्या कहलाती है? फ्रूटिंग बॉडी। यूँ आ गया कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो माइसीलियम की अनेक कवक जाल आपस में उलझ जाते हैं और एक गोलाकार रचना बनेगी और वो इसे कहलाएगी फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार। अब इस एस्कोमाइसिटिस के मेंबर्स में तीन तरीके की फ्रूटिंग बॉडी देखी गई है। देखो ये है आपकी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, ये तो सारी सामान्य बातें थी, याद रखने के लिए ये था एस्कस और एस्कोस्पोर्स। अब ये जो एस्कोकार्पन है ये तीन तरह का होता है, एक होता है मतलब फ्रूटिंग बॉडी, एकोथीसियम, पेरिथीसियम और क्लिस्टोथीसियम, रहेगा गोलाकार ही, लेकिन अभी देखो गोलाकार ही है, ये गोलाकार रहेगा लेकिन उसके ऊपर की तरफ एक छिद्र पाया जाएगा, तो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाएगी? एकोथीसियम। इसमें पाई जाती है ये पेजाइजा में। फिर आगे देखिए पेरिथीसियम, ये गोलाकार रचना होती है, अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और जब ये परिपक्व हो जाती है तो परिपक्व होते समय इसके शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है, उस छिद्र से ही क्या होते हैं? ये स्पोर बाहर निकलते हैं। अभी किसमें पाया जाता है? न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स, ये सब रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है?
आगे देखिए अगला कौन सा है, क्लिस्टोसीजियम। क्लिस्टोसीजियम का मतलब भी होता है बिल्कुल पैक प्रकार का, बंद प्रकार का। तो ये माइसीलियम बिल्कुल बंद प्रकार का होता है, अंदर ही स्पोर पाए जाते हैं, वो ही किसमें होता है पेनिसिलियम। याद रखने के लिए क्या है मुख्य रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है, कौन से स्पोर बनते हैं और इनके प्रकार, एपोथीसियम पेजाइजा में, पेरिथीसियम न्यूरोस्पोरा में, क्लिस्टोसीजियम पेनिसिलियम में। इस तरीके से ये हमने देखा इसको माइसिटिस। कोई दिक्कत इसमें?